अरे भाई साहब, so right now it's 8:30 and I'm all set to leave for Manali. So right now it's 8:34 निकलने का प्लान थोड़ा अर्ली था अराउंड 5 इन द इवनिंग बट गर्मी काफ़ी थी तो ये बेस्ट टाइम है निकलने का और अभी वेदर भी ठीक है गर्मी है बट इतनी नहीं है तो पहले करा लेते हैं पेट्रोल फिल फुल कर दो फुल कर रहा है पेट्रोल करेंगे सर हां हां पेट्रोल करेंगे तो पहले आप कर लीजिए मतलब पहले आप कर लेंगे ना तो उसमें एक्स्ट्रा आपको मिलेगा क्या एक्स्ट्रा मिलेगा पेट्रोल कैसे जैसे आप 1000 रुपये में आप करते हैं ना 8 रुपये का एक्स्ट्रा तो 1000 का आया ही नहीं फिर 1000 का अगर पेट्रोल ही नहीं आया फिर नहीं आएंगे तो हम फ्यूल पेट्रोल ना आपको देने के लिए तैयार नहीं आप ऐसे ही डाल दो ना कभी के वो फायदे कम रहेगा अरे ऐसे ही डाल दो नहीं मेरे को नहीं चाहिए फायदा मोबाइल में मैसेज हम दिखाएंगे आपको सारा कुछ पर मेरे को फायदा नहीं चाहिए ना मेरे को जो पेट्रोल जैसे डलता है वैसे डाल दो ये तो मैं पहली बार स्कीम सुन रहा हूँ ऐसी कोई नहीं ना ना आप डाल दो ऐसे डाल दो अरे सर नहीं करना मेरे को नॉर्मल अभी एक बहुत क्विक वाटर ब्रेक लिया था क्योंकि गर्मी बहुत है बहुत ज़्यादा एंड दिल्ली से निकलना एक टास्क है इतना ट्रैफिक फाइनली दिल्ली क्रॉस हो गया एक घंटे बाद और भाई वाट लग गई थी पूरी अच्छे से अब थोड़ा सही लग रहा है बाइक थोड़ी स्पीड में चल रही है तो हवा ठंडी तो नहीं है बट ठीक है बेटर है
ये हाईवे सीधा चंडीगढ़ को ही कनेक्ट करता है, सीधा ही रोड है, बिल्कुल सीधा हाईवे है। एंड सोनीपत अभी 32 है यहाँ से। ये हाईवे में पता नहीं किस बात का जाम लगा हुआ है अभी रात को। आई गेस कुछ कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा होगा। पेट्रोल पंप के अंदर से ही निकाल देते हैं। ऐसे टाइम पे तो जहां रास्ता देखे घुसेड़ दो। बाकी अभी प्लान कुछ नहीं है ऐसा कि हम लोग कहाँ जाने वाले हैं। अभी का डेस्टिनेशन तो मनाली है, मनाली से सोचते हैं, देखते हैं स्पीति जाते हैं, लद्दाख जाते हैं या सच पास करते हैं। और ये ट्रैफिक खत्म होगा तो पहुंचेंगे ना कहीं। पहले दिल्ली में ट्रैफिक, अब यहाँ पे ट्रैफिक। सो राइट नाउ इट्स 10:35 और मैं सोच रहा हूँ एक क्विक पानी का ब्रेक लेने के लिए। मूर्थल आने वाला है, कुछ 1-2 किलोमीटर होगा यहाँ से। रोड कंडीशन अभी तक तो ठीक है, बीच में थोड़ा सा एक पैच आता है मूर्थल से पहले, वहाँ पे थोड़ा ट्रैफिक था। तो वही हम पहुँच गए हैं मूर्थल एंड ये यहाँ का फेमस ढाबे जहाँ पे लोग पराठे वगैरह खाते हैं। पर भाई अपने को नहीं पसंद तो हम नहीं रुकेंगे। ये ठीक है, थोड़ा खाली सी भी है तो यहाँ पे बाइक लगा के पानी वानी पी लेते हैं। फिर वहाँ से आगे को हम मनाली की तरफ निकल पड़े।
यार अपने साथ सीन पे सीन ही होते जा रहे हैं। GoPro की बैटरी डेड हो गई तो अभी फिर से रुक के कहीं पे चार्ज करी है। एंड प्रॉब्लम एक नहीं है, प्रॉब्लम बहुत सारी हो गई है। जो सारा फुटेज पहले बनाया था उसमें वॉइस से रिकॉर्ड ही नहीं हुई, पता नहीं माइक में क्या दिक्कत आ गई है। सो मनाली इज 163, मुझे नहीं पता मेरी वॉइस अभी रिकॉर्ड हो रही है नहीं हो रही, क्योंकि माइक में कुछ प्रॉब्लम आ गई है और मेरे पास दूसरा माइक भी नहीं है। शायद मनाली जाके लूँ मैं। अगर वॉइस आ रही है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आ रही तो क्या कर सकते हैं। मनाली 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 यही है ना। भाई रात से बाइक चला रहे, पिछवाड़े में हो गया दर्द। एंड ये जो 350 में आगे जा रहा है इसका नाम है कुणाल, इसने मेरे को ज्वाइन किया था बीच में पंजाब से और ये राइड में मेरे साथ रहने वाला है। ये बहुत ही पिरो राइडर है, जैसे कि आप देख सकते हैं पूरे गियर्स में अपने। नींद आ रही है मेरे को थोड़ी थोड़ी, बट मजा भी आ रहा है भाई। ये रही अपनी बाइक्स, हालत देख लो भाई, ये तो चलाने लायक ही नहीं है अभी। ये तो बहुत गंदी हो रही है, जाने वाले हम इसमें और चलाने वाला ये हमारा रक्कू राइडर। रक्कू राइडर we are staying at Prince's Villa. ये मनाली से थोड़ा सा पहले है। ये होटल से मॉल रोड जाने के लिए काफी स्टीप रास्ता है तो यहाँ पे उतरना पड़ता है बाइक से। भी ये GoPro में पता नहीं लग रहा होगा बट काफी स्टीप है। वहां से आए हैं